भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और दुनिया के लिए एक रिलायबल देश। India was a friend in very difficult time. India's uncompromised willingness to respond to our urgent need. India has always been an economy that focused on human development. भारत उन कंट्रीज की भी मदद करता है जो लगातार भारत के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। Among the first to respond to Turkey's crisis was India. God bless you, India. We don't have any hospital, any medicine. भारत सालों से कई लड़ाइयाँ लड़ रहा है और आज हम एक ऐसे ही लड़ाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रीसेंट डेवलपमेंट में चाइना और भूटान अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। China has increased the frequency of its discussions about the border with Bhutan. Bhutan appears to have shifted position. Is the Chinese pressure on Bhutan succeeding? और कैसे ये डेवलपमेंट भारत के लिए एक नेशनल थ्रेट बनता जा रहा है और चाइना का नेक्स्ट टारगेट इंडिया में क्या हो सकता है, भूटान क्या छुपा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। इंडिया चाइना के बीच में टेंशन है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। फिर चाहे वो 1967 का इंडो चाइना वॉर हो या ताइवान के साथ इंडिया का रिलेशन, 2017 का डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो या फिर गलवान वैली इंसिडेंट्स, इंडिया चाइना हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। पर आज चाइना डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इंडिया को अपने जाल में फंसाना चाहता है। और इंटरेस्टिंगली चाइना का ये प्लान भूटान के रास्ते होके जाता है। Have the Chinese been able to successfully create a rift between India and Bhutan? China's growing urgency for border talks with Bhutan clearly has a very strong India angle. Now Bhutan 477 किलोमीटर यानी 477 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि भूटान और चाइना के बीच में आज तक कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। भूटान चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो मेनली भूटान के नॉर्थ में सामलुंग और जकारलुंग वैली और वेस्ट में डोकलाम प्लेटू रीजन को चाइना क्लेम करता है। पर इन सब में भारत कहाँ आता है और हमें इन सब से क्या लेना देना? देखिए, लेना देना है। भूटान इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज के लिस्ट में आता है। कंट्रीज जैसे USA, जापान, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, फ्रांस, रशिया, सिंगापुर। और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया लगभग 699 किलोमीटर बॉर्डर भूटान के साथ शेयर करता है। इंडिया और भूटान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है और भूटान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लगभग 50% इंडिया से आता है। इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI भी कहते हैं। और तो और, इंडिया भूटान का पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में भूटान इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका प्रूफ हम 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान देख सकते हैं। India and China have been locked in a border standoff at the Doklam Plateau. India does not want China to get access to Doklam. ये टेरेन तो काफी टफ है, लेकिन फिर भी हमारा काम है इसकी सुरक्षा करना, इसकी रक्षा करना। Doklam is worth fighting for. Doklam standoff के दौरान भारत को एक बात तो साफ हो गया था कि चाइना डोकलाम रीजन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। और अगर हम गौर से देखें तो ये रीजन भारत के इस पतली सी पट्टी से काफी पास हो जाता है और इसी का नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और ये पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर Land connects India to its northeastern state, and that is why China wants it. भारत के दूसरे राज्यों को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ने का एकमात्र रास्ता। अगर चाइनीज इसको काट दें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से मिलाप ही खत्म हो जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नैक भी बोला जाता है और भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसे में अगर चाइना कॉन्फ्लिक्ट के वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक आ जाता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। और 2020 में इंडिया का कंसर्न और भी बढ़ जाता है जब चाइना भूटान के साकतेंग सेंचुरी को क्लेम करने लगता है। साकतेंग सेंचुरी इंडिया के लिए एक कंसर्न बन जाता है क्योंकि ये रीजन भारत के अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है और हम सब जानते हैं चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। और तो और, अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बुलाता है जो कि एक जोक लगता है। नाउ अगर हम वापस चाइना और भूटान पर आए तो इन दोनों देशों ने अब तक 13 एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग EGM और 24 राउंड्स ऑफ बॉर्डर नेगोशिएशन टॉक किए हैं। और सबसे पहला बॉर्डर नेगोशिएशन टॉक 1984 में शुरू हुआ और ऐसे ही 2021 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भी साइन हुआ। और सबसे लेटेस्ट की बात करें तो 2017 के अगस्त महीने में चाइना के बीजिंग शहर में हुआ। अब 2023 के मीटिंग में हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पहला, दोनों देश अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश कर
कर रहे हैं। दूसरा, इनका जोर बॉर्डर नेगोशिएशन मीटिंग को फ्रीक्वेंटली करने पर है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग या फिर एक डील दोनों देश के बीच में हो सके। एग्जाम्पल के लिए 13 एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग में ही 14 एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग का प्लानिंग डिस्कस किया गया। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, 2021 से भूटान और चाइना एक 3-स्टेप रोड मैप स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। 3-step roadmap. Beijing's Bhutan negotiations are clearly part of a Chinese strategy to gain a crucial advantage over India. Now, ऐसे में ये 3-step roadmap strategy क्या है? ये बिल्कुल भी clear नहीं। भूटान इस टॉपिक पे कुछ भी बात नहीं करना चाहता। और ऐसा लगता है मानो भारत का एक पुराना दोस्त अब भारत से ही कुछ छुपा रहा हो। ऐसे सिचुएशन में दो बहुत बड़े सवाल इंडिया के सामने आते हैं। पहला, इंडिया के लिए किस टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं? दूसरा, इंडिया कैसे इन चैलेंजेस से डील कर सकता है? देखिए, इंडिया के चैलेंजेस की बात करें तो बिल्कुल 3-step रोड मैप क्या है ये इंडिया को पता नहीं। चाइना भूटान इस एग्रीमेंट में क्या करने वाले हैं ये भी एक कंसर्न बन जाता है। दूसरा कंसर्न टेरिटरी स्वैप का भी है। यस, चाइना ने भूटान को 1996 में एक टेरिटरी स्वैप का डील ऑफर किया था। ऐसे में हम अगर आज के सिनेरियो से देखें तो चाइना बिल्कुल भूटान को कुछ नॉर्थ के एरियाज पे अपना क्लेम हटाकर परमानेंटली वेस्ट के एरियाज जैसे डोकलाम रीजन भूटान से मांग सकता है और भूटान प्रेशर में आके एक टेरिटरी स्वैप कर सकता है। और इसका मतलब चाइना अल्टीमेटली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक आ सकता है। नाउ अगर हम बात करें इंडिया कैसे इन चैलेंजेस को डील कर रहा है, तो इंडिया ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सशस्त्र सीमा बल SSB और इंडो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस ITBP हैविली डिप्लॉयड है। और तो और टाइम टू टाइम यहाँ मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि शक्ति प्रहार और वायु प्रहार, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और CAPF के जवान शामिल होते हैं। सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया के पास रीजन के आसपास दो एयरबेस भी है, पगडोगरा और हाशिमारा, जो चाइना से आने वाली थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। नाउ इंटरेस्टिंगली 2018 में फॉर्मर CDS लेट बिपिन रावत जी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बोला, The vulnerability of the Siliguri corridor has been highlighted. It is a vulnerability, but it can be well taken care of. But the issue is, let us first identify the problem and adopt a step-by-step approach. इंडिया के पास ऑप्शंस की बात करें तो इंडिया भूटान के बीच 1949 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया गया, जिसमें इंडिया भूटान के फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी में अपना गाइडेंस दे सकता है। और अब इंडिया इस ट्रीटी को यूज करके भूटान से 3-step रोड मैप स्ट्रेटेजी के डिटेल्स मांग सकता है, ताकि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी चाइना को काउंटर करने के लिए और भी मजबूत कर सके। अब एक और अच्छे ऑप्शन की बात करें तो भारत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कनेक्ट करने के लिए अल्टरनेट रूट पर काम कर रहा है। एग्जांपल के लिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भारत कोलकाता से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, सितवे पोर्ट से कालादान नदी से पलेटवा तक और फाइनली पलेटवा से मिजोरम तक जा सकता है। नाउ इंडिया बांग्लादेश से कॉपरेट करके एक हाईवे पर भी विचार कर रहा है। इंडिया चाइना और भूटान के इस इशू पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।